हम करने वाले हैं C3 साइकिल या फिर उसी का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है ना। देखो लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा ये कुछ भी बता दिया वो याद ही ना रहे, लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा एग्जाम में याद रहेगी मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो केल्विन साइकिल में होता क्या है, केल्विन साइकिल में होता क्या है, हमें तीन तो प्रोडक्ट याद करने होते हैं, तीन हमें प्रोडक्ट याद करने होते हैं और ये बने कैसे, वो अपनी तीन रिएक्शन याद करनी होती है, तीन प्रोडक्ट याद करने हैं, तीन अपने को रिएक्शन याद करनी है, ये है पूरी अपनी C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। ठीक है, अब याद कैसे करें तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो एक लड़की है जिसका नाम है रूबी, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रूबी उसका नाम है। ठीक है, अब रूबी की क्या कमजोरी है, रूबी की कमजोरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कमजोरी कैसे है, देखो रूबी को जब भी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है। ठीक है, अब बेचारी पागल हो गई तो सिंपल सी बात है यार, इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा, दोबारा नॉर्मल भी तो करना पड़ेगा, तो नॉर्मल करने के लिए कहां ले गए इसको, हॉस्पिटल में ले गए। अब हॉस्पिटल वाले मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं इसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए, डॉक्टर्स क्या करते हैं इसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए रूबी को क्या करते हैं, तीन मुक्के मारते हैं, तीन मुक्के ना थोड़ा अलग इलाज है भाई डॉक्टर का हमें नहीं पता, पर इसको तीन मुक्के मारते हैं, तीन मुक्के यानी तीन पंच मारते हैं। अब तीन पंच यानी तीन मुक्के लगते ही जो रूबी ये पागल हो चुकी थी वो रीजनरेट होके है ना दोबारा क्या कर देगी, वो रीजनरेशन कर देगी, दोबारा रीजनरेट होके क्या बन जाएगी, वो फिर से अपनी नॉर्मल रूबी बन जाएगी। फिर से इसको CO2 मिलेगी, फिर से पागल हो जाएगी, फिर से डॉक्टर तीन पंच लगाएंगे, फिर से वो रीजनरेट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अपनी ट्रिक क्या बोलती है वो देख लेते हैं। देखो रूबी से अपने पास कौन सा आया, RUBP, तो यहां होगा अपने पास RUBP, और पागल से अपने पास आएगा, देखो P से आएगा अपने पास फॉस्फो और GL से आएगा क्या, ग्लिसरेट, ये अपना हो गया क्या फॉस्फो, ये अपना क्या हो गया फॉस्फो, और GL से क्या आया अपने पास ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट यहां बन गया, और तीन पंच से देखो तीन से अपने पास है, थ्री से अपने पास आया क्या ट्रायोज, और पंच के पी से अपने पास आया फॉस्फेट, ये अपना बन गया ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, तो ये अपनी पूरी क्रेब्स साइकिल हो चुकी है। अब ये रिएक्शंस का नाम देख लेते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बाइंड हो रही है तो इसका नाम हो जाएगा क्या कार्बोक्सिलेशन, इसका तो बहुत सिंपल हो गया, क्या नाम हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और इसका तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं रिड्यूस, पागलपन रिड्यूस हुआ था तो इसका नाम क्या है रिडक्शन है ना, रिड्यूस से याद आ गया रिडक्शन, और इसका तो नाम ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्या है रीजनरेशन, सारी अपनी केल्विन साइकिल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि एनर्जी कौन से स्टेप में होगी है ना, एनर्जी का रिलेशन इस स्टेप में है, इसमें है या इसमें है, उसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो एनर्जी जो है बहुत कीमती चीज होती है, तो कीमती चीज को वेस्ट, देखो CO2 अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो कीमती चीज को वेस्ट से दूर रखना है, मतलब इस स्टेप में एनर्जी का लेना देना नहीं करना, इसमें भी होगा इसमें भी होगा है ना, ये सिंपल सी बातें थी। थैंक यू, धन्यवाद।